come again. Now this is part D video of chapter accounting equation. In this video also we will solve the questions also, and first of all we will solve the question number 8. Okay, see students, this is illustration 8 on page number 6.12. okay, now we will solve this example. Now this is example number 8. Performa I have made same performa. First transaction is started business with cash ₹50,000 and goods ₹20,000. This mad ho gaya. Maybe owner ka pehle koi business ho, wo business wind up karke usne ab naya business start kar raha hai. To us naye business mein uske paas jo goods pehle ki padi thi wo bhi usko new business mein le aaya. ओके, तो ओनर जो है 50,000 कैश लाया, देन कैश प्लस 50,000, साथ में 20,000 के गुड्स लाया, तो स्टॉक में प्लस 20,000 एंड कैपिटल, दोनों चीजें ओनर लेके आया, देन कैपिटल प्लस 17,000. आफ्टर दैट इक्वेशन विल बी 50,000, 20,000, टोटल 70 एंड हियर 70. टोटल ऑफ बोथ साइड इज इक्वल. Now next transaction is bought goods for cash 15,000 and on credit for 10,000. Same transaction we have discussed in the previous question, that हमने goods खरीदी हैं 15,000 की cash पर और 10,000 की credit पर. तो total कितने की goods आए? 25,000 की. तो stock में plus 25,000. Cash payment हमने कितनी की? 15,000. तो cash में से minus कर दोगे 15,000. 10,000 की गुड्स वी हैव परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पर, एंड दैट पर्सन आज नोन एज क्रेडिटर. तो लायबिलिटी में कॉलम होता है क्रेडिटर का, तो हमारे क्रेडिटर 10,000 से इंक्रीज हो गए. आफ्टर दैट न्यू इक्वेशन, कैश विल बी 50 माइनस 50 35,000, 20 प्लस 25 45,000. Thank you.
1000 sold at a profit of 33:1/3%. 24,000 के गुड्स हमने बेची, प्रॉफिट पे बेची कि नेचुरली बात है, 33:1/3% के प्रॉफिट पर बेची, तो इट मींस 1/3 प्रॉफिट. ओके, दैट आई हैव टोल्ड यू. तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 24,000 का 1/3 8,000. तो 8,000 प्रॉफिट हुआ है हमें. हमने बेची कितने में, मनी कितनी आनी चाहिए थी अगर हम कैश पर बेचते, 24,000 प्लस 8,000, तो हमारे पास टोटल 32,000 रुपीज आने चाहिए थे. बट हाफ पेमेंट रिसीव इन कैश, 32 में से हाफ 16,000 हमारे पास आए थे. ओके, तो कैश कितना आया, 16,000. स्टॉक कम हो गया 24,000 से, डेटर्स इंक्रीज हो गए 16,000 से, क्योंकि हमने पेमेंट पेंडिंग है अभी 16,000, और इस ट्रांजेक्शन से जो 8,000 का प्रॉफिट हुआ दैट विल गो टू द ओनर इन कैपिटल. ओके, गॉट इट. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज सुधीर इट मीन्स ओनर है इसमें सुधीर. तो उसने फर्नीचर खरीदा है 6,000 का ऑफिस यूज के लिए और 4,000 का सुधीर के हाउस होल्ड घर के यूज के लिए खरीदा. टोटल उसने इकट्ठा 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया. ठीक है, तो कैश तो क्या 10,000, ठीक है, लेकिन उसमें से जो 4,000 का फर्नीचर है वो गया ओनर के घर पे, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग. ओनर ने अपने घर के फर्नीचर के लिए बिजनेस से कैश निकाला. ठीक है, तो 4,000 का जो ओनर के घर पे गया दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल एज ड्रॉइंग, और जो 6,000 का बिजनेस में आया फर्नीचर दैट विल बी एडेड इन एज ए न्यू एसेट्स इन एसेट्स कॉलम. फर्नीचर इंक्रीज हो गया 6,000 का, 10,000 कैश गया, 6,000 का बिजनेस में फर्नीचर आ गया, 4,000 का जो ओनर ले गया अपने घर पे that will be deducted from capital. After that new equation will be 51 minus 10, 41,000, 21,000 and 16,000 same debtor, 6,000 take assets increase only. Creditor will be same 10,000, 78 minus 4, 74,000. Okay, this is the new equation. You can check the total of both sides should be equal. Liability plus capital 84,000 and all the assets 41 plus 21, 62 and 22, that will be it. Okay, yes friends, now in this chapter some another type of question that if you want to calculate the profit of any firm, then how will you calculate the profit? For this one formula is there, that closing capital means capital at the end of accounting year. उसमें से अगर हम deduct कर दें opening capital means that will be at the starting of accounting year, then we can calculate the profit. If there will be no additional capital and no drawing, कि पूरे साल में ना तो owner ने कोई और capital लगाई, additional capital मतलब जो कई बार साल के बीच में भी ओनर मनी लगाता रहता है अगर बिजनेस को जरूरत पड़े, दैट इज नोन एज एडिशनल कैपिटल. ओके, तो इफ देयर इज नो एडिशनल कैपिटल, ना तो उसने कुछ मनी लगाई, नो ड्रॉइंग, ना ही कोई उसने निकाली मनी, देन प्रॉफिट विल बी क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. लेकिन विदाउट ड्रॉइंग, तो अगर ओनर बिजनेस कर रहा है तो ड्रॉइंग तो होगी. ठीक है, सो देन इफ ड्रॉइंग विल बी देयर, then formula will be changed, then profit is equal to closing capital minus opening capital minus additional capital, जो भी वो additional capital लगा रहा है, plus drawing हम plus कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, profit. okay, learn closing capital minus opening capital minus additional capital plus drawing. लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होती, देन यू कैलकुलेट बाय द क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल दैट वी हैव अकाउंटिंग इक्वेशन वी हैव डन ना, दैट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो अगर हमें कैपिटल